छोटे बच्चों की हत्या इस तरह से निश्चित तौर पे मन को दुखी करने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस घटना को भी आधार बना के राजनीति कर रहे हैं। छोटे बच्चों को किस तरह से मारा जा रहा है, और जब कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इसको भी राजनीति का रंग देने का प्रयास जो हो रहा है, ये दुखद है। समाज में इस तरह का माहौल बनाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। घटना दुखद है, छोटे बच्चों की हत्या इस तरह से निश्चित तौर पे मन को दुखी करने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि दूसरे मुलजिम की भी तलाश तेजी से हो रही है, और बहुत दिन वो भी कानून के हाथ से बच नहीं सकते। इस तरह के वारदात पूरे समाज में एक तनाव पैदा करते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस घटना को भी आधार बना के राजनीति कर रहे हैं। ये काफी दुखद है। छोटे बच्चों को किस तरह से मारा जा रहा है, और जब कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इसको भी राजनीति का रंग देने का प्रयास जो हो रहा है, ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। समाज में इस तरह का माहौल बनाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी भी जो कार्रवाई शेष है वो भी पूरी होगी। इस पर कौन सा सवाल खड़ा हो, किसी के घर में घुस के और अबोध बच्चों की निर्मम कोई हत्या करे और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हो, और कार्यवाही को आधार बनाकर सरकार को कोई आरोपित करे, तो इससे ज्यादा दुख का विषय क्या हो सकता है? इन लोगों के पास बात करने को कुछ है नहीं। ये विरोध के लिए विरोध करते हैं। इनको कोई बहाना चाहिए सरकार पर कोई आरोप लगाने का, ये वही कर रहे हैं। बाकी पूरा समाज, पूरा प्रदेश देख रहा है, प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रहा है, बाकी भी कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा करेंगे।